पुत्तों का सबके साथ सब मूद लेजेंडरी प्रोटेक्टर और मैं आज आपके साथ शेयर करने लाइक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा खेलने जा रहे हैं शैडो फाइट 2 स्पेशल एडिशन। और आज की इस वीडियो में हम हराने जा रहे हैं हमारे प्यारे बुड्ढे को, जिसमें हम हर्मिट एक्ट 2 सीक्रेट पैथ के मेन बॉस को हराकर एक्ट 3 ट्रेल ऑफ ब्लड शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं हर्मिट को हराऊं, मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ हम उसको हराने के लिए किस वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो हर्मिट को हराने के लिए हम यूज़ करेंगे डिसेक्टर ऑफ होप्स विद पॉइजनिंग इंचेंटमेंट। अब मैंने इसे सर्वाइवल में काफ़ी ट्राई किया है, हाँ सही है, लेकिन हैवी बहुत है यार, बहुत हैवी है। और तुम में से कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई अगर तुम्हें हर्मिट के खिलाफ आसानी से जीतना तो डिसेक्टर ऑफ होप्स को यूज़ मत करना, तुम बहुत डिसअपॉइंटेड होगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है यार, मतलब प्रो वही होता है जो एक से बढ़कर हर एक वेपन को ट्राई करे और उसको मास्टर करे, उसी को असली प्रो कहते हैं। और मैं अब इस गेम में ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ फास्ट और लाइट वेपन्स ही नहीं बल्कि हैवी और स्लो वेपन्स भी ट्राई करूँ, जिसकी वजह से तुम्हें वाकई में लगे कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, ये तो हर वेपन के साथ बढ़िया खेल रहा है, ये बंदा डेंजरस है। और आर्मर के तौर पे हम यूज़ करेंगे क्रोज बेन विथ रिटर्न इंचेंटमेंट, क्योंकि हर्मिट एक ऐसा बॉस है जिसके खिलाफ तुम्हें डैमेज रिटर्न की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि राउंड 2 से जब वो हवा में उड़कर जो कर्तव्य करता है भाई, वो बहुत डेडली होते हैं, उसका डैमेज बहुत इनसेन होता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमने डैमेज रिटर्न का इस्तेमाल किया ताकि वो इनडायरेक्टली अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के खुद को जान से मार दे। 200 IQ प्ले बॉयज, इसलिए तुम्हारे लिए भी एक सीख है, बेस्ट आर्मर हर्मिट को हराने के लिए क्रोज बेन ही होगा या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट जिसपे डैमेज रिटर्न हो। उसके बाद हम यूज़ करेंगे गोल्डन हॉर्न विद शील्डिंग इंचेंटमेंट एंड हार्वेस्टर ऑफ सोल्स एज रेंज वेपन विद लाइफ स्टील इंचेंटमेंट। मुझे लगता नहीं मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, लेकिन फिर भी उम्मीदों पर दुनिया कायम है। ओके गाइस, तो अगर तुम मेरे चैनल पर नए और तुम्हें ऐसे ही शैडो फाइट 2 रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को अभी कभी जाके सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे जब भी कोई नई वीडियो तो तुम सबसे पहले देख पाओ। इस वीडियो में बहुत बड़ा बड़ा थम्स अप करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड चिंटू इंट्रो लगाओ। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने तुमसे कहा था कि अगर इस वीडियो पे आते हैं 2000 लाइक्स तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा चिंटू की बर्थ डेट। तो तुमने एक दिन के अंदर अंदर उस वीडियो पे 1.3K 1300 लाइक्स कर दिए हैं, मतलब सच में, और तुम लोगों का जवाब नहीं है। कम ऑन, बस 700 लाइक्स और उसके बाद अगली 2-3 जो भी वीडियोज़ आएंगी उसमें से एक में तो मैं चिंटू की बर्थडे डेट रिवील कर ही दूंगा। तो फिर जिस दिन चिंटू के बर्थडे होगा उस दिन मेरी जो वीडियो आएगी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम हैप्पी बर्थडे चिंटू से पूरी भर देना, कमेंट सेक्शन स्पैम कर देना कती मतलब। और जिन लोगों का लग रहा है कि तुम्हें मेरा यानी ऑफिशियली TLP की बर्थडे डेट प्लस फेस रिवील देखने को मिलेगा, भाई भूल जाओ, ठीक है ना, तुम्हें कभी मेरा फेस रिवील देखने को मिलेगा ना तुम्हें कभी मेरी बर्थडे डेट सुनने को मिलेगी, क्योंकि नो स्पेसिफिक रीज़न। एनीवेज, पकलोली साइड में रखते हैं और आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं क्योंकि आज हर्मिट चच्चा हमारे यहाँ तो बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हैं। हर्मिट एक्सेप्टेड योर चैलेंज, फाइट। हर्मिट, कुड यू बी द वन आई हैव बीन वेटिंग फॉर? यस, लेट अस टेस्ट योर स्किल्स। श्योर बॉय, श्योर, हमको इसी पल का इंतजार था रे बाबा। Show me what you've got. Come on, this should work. Okay, it didn't work. Oh shit! Perfect! Holy shit! Kya? Sach mein? ओ माय गॉड, भाई हर्मिट यार थोड़ी शर्म कर ले, मुझे थोड़ा कंटेंट चाहिए। है लॉल, डैमेज अब्सॉर्प्शन के मजे चखो सर।
कोई नहीं, पेट दर्द से मर जाओ। बहुत बहुत पनीर के पकौड़े खा लिए सर आपने। अरे बुढ़े हो गए, मरने की उम्र हो गई है। कभी बताओ कब मर रहे हो, फिर हम भी आए आपकी तहरी पर फ्री की खीर खाने। अरे बस बस बस, ओपी भाई ये वेपन है कि क्या है भाई, कती मतलब तबाही मचा दी। ओके ओके क्लोज रेंज में इसके साथ लातों से काम चलाना पड़ेगा। ओ शिट, वेट व्हाट यार, व्हाट सही में? अरे भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई, यार कम ऑन। यार हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, लात खाओ सर आप। ओपी भाई ग्रेट, टॉट द टीचर, शेट सच में भाई ये क्या था, ये क्या था, ये डिसेक्टर ऑफ होप्स। पहले दो राउंड में क्या कमाल किया और राउंड थ्री के बाद क्या यार, मतलब सच में मैं वीडियो के स्टार्ट में डिसअपॉइंटेड हूँ। हरमिट यू आर वेरी स्किल्ड फॉर वन सो यंग, आई विल शेयर माई सीक्रेट विद यू बट यू मस्ट कम्प्लीट अ टास्क इन रिटर्न। यस बचर को पीटने के लिए सुपारी। बचर द गैंग लीडर इन द नियर बाय विलेज थ्रेटन्स मी, ही वांट्स माय मैजिक, गेट रेड ऑफ हिम एंड यू विल हैव अर्न माय फेवर। अबे बकलोल की औलाद एक बात बता, जब मैंने बचर से फाइट की थी उसके पास ऑलरेडी डार्क इम्प्लोजन और डार्क ब्लास्ट मैजिक्स थे, उसके पास दो दो मैजिक्स थे, फिर वो तुझे धमकी क्यों देगा मैजिक के लिए? हैं मुझे पागल बना रहा है? नहीं सर पे बकलोल लिखा है ना हमारे तो। मोर नाउ गो एंड सर्व डिस्ट्रक्शन। ओ शट अप। ग्रीन सील, अ मिस्टीरियस ग्रीन सील वन फ्रॉम हर्मिट इन डेडली कॉम्बैट, वन ऑफ द सिक्स पार्ट्स ऑफ द की टू द गेट्स ऑफ शैडोज। ओपी सेंसी, यू हैव शोन ग्रेट स्किल शैडो, आई ट्रस्ट दैट यू कैन वील्ड दिस मैजिक फॉर गुड, बट डू नॉट अलाउ इट टू टेम्प्ट यू और टेंट योर गुड हार्ट। श्योर सेंसी जी श्योर, हम इस मैजिक को हमारे ऊपर ओवरटेक करने नहीं देंगे। मे ग्रेट, आई कॉन्ट वेट टू सी दिस, हाउ अबाउट वी फाइंड सम टारगेट्स टू प्रैक्टिस योर न्यू पावर ऑन। यस थोड़ा टेस्ट सब्जेक्ट्स तो मिलने चाहिए ना हमको। Bring it on, Act 3 Trail of Blood, hehe boy. Bird, hey guys, how it's going? I'm Bird, it's nice to meet you, welcome to our little town. Oh, thanks for your pleasant welcome. Sensei, how strange for this girl to work alone at night, talking to strangers, I have a bad feeling about this. Yes, aur aapko ye bad feeling honi bhi chahiye. Me, don't be so worried old man, she there is nothing fishy going on here, she is just being friendly. Yeah sure, friendly to ho rahi hai, and in logo ko koi idea nahi, maine parallel dimension mein aise kitni buri tarike se peeta tha. Taught the teacher defeat hermit, nice. Aur ab hamari list mein do seals jud chuke hain. Okay download kar lo additional data. You can now purchase more coins for the same price. ये क्या पकलोली है वे? Steel letters, I reject it. आज के इस वीडियो में मुझे बस इसी वेपन को रिव्यू करना है, Dissector of Hopes, और मैं ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हूँ।
तो इस एक्ट में हम यूज करेंगे बिग्स वर्ड्स, देन डिवेस्टेटर, देन पेन एंड पैनिक एंड से फियर फैंग्स। सो कुल मिला के इस एक्ट में चार वेपन्स को यूज करेंगे हम। हाँ यार, ये थोड़ा अजीब था। मतलब पिछले वाले एक्ट में इतने ज़्यादा वेपन्स थे, इस वाले एक्ट में इतने कम, क्या है ये? ओके, इमहोटेप क्यूरेस, देन पोइटिक मेंटल, और फिर स्पाइक ब्रेस्टप्लेट, हाँ, एंड रेवन हार्ट। ओपी नाइस। स्टील हेल्म, आई डोंट केयर। स्पाइक हेल्म, ये सही है भाई, ये सही है। जनरल्स कबूटो, जेस्टर्स बेनेडिक्शन। मैं इस हेलमेट को ट्राई करने के लिए नहीं रुक सकता, वो भी फ्रेंजी इंचैंटमेंट के साथ। एंड देन हॉर्न हेल्म, नाइस, दैट्स गुड। मतलब बच्चर को हराने के लिए फुल रीजनरेशन होगी। हाँ, असैसिन्स कुना है विद पॉइजनिंग इंचैंटमेंट, दैट्स नाइस। आई मीन हार्वेस्टर ऑफ सोल्स हमने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया, तो फिर खरीद लो नया, क्या जा रहा है। एंड अब फायर बॉल, लेवल 14 पे आना होगा इसके लिए। वीकेंस, सॉरी वीकनेस, वीकनेस वीकेंस नहीं, वीकनेस। ओके, टूर्नामेंट हार्ड, सीरियसली नहीं, सच में सीरियसली। और क्या अपग्रेड करना है फिर मुझे? क्या मुझे अपना आर्मर वार्मर भी है? कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। वे ऐसा मत करो यार, मतलब ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ए व्हाट अ क्यूरेस, एक्चुअली मैं ये वाला खरीद सकता हूँ, खरीद लो ना फिर, क्या जा रहा है। ओके, गोल्डन हॉर्न हम वैसे ही छोड़ देंगे। स्टिल हार्ड, व्हाट द हेल, गेम इट डजंट मेक एनी सेंस, सूट्स हियर, ओह शिट। प्लीज डिसेक्टर ऑफ होप्स, इज्जत बचा लियो यार। आई डोंट नो क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसकी वजह से हुआ। लात खाओ मैडम जी, अब लात खाओ, ठीक है ना। ये वेपन अच्छा डैमेज तो करता है, लेकिन भाई क्लोज रेंज में तो तुम इसे कतई यूज नहीं कर सकते। नाइस, ओपी, परफेक्ट, यू विल, यस, यू हैव बीन चैलेंज, रिटर्न टू अ प्रीवियस प्रोविंस एंड फाइट इट्स लीडर टू गेट हिज यूनिक वेपन। नहीं, अभी मैं उससे फाइट करने की कोई मूड में नहीं हूँ यार, सच में। अब तुम ये करोगे हैं, अब तुम ये करोगे। ये सही है, ये सही है यार, ये बहुत सही है। ओके, स्टोर चल लो, मुझे मैटर नहीं करता मेरे पास कितने भी जेम्स हों, सब उड़ा दो भाई के, सब उड़ा दो, एवरीथिंग टू द मैक्स। यार मैं स्टील हेलम यूज़ करने के मूड में नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर चुका हूँ यार एक बार, प्लीज़ मुझे दोबारा यूज़ मत करवाओ। चलो इसे एज इट इज रहने दो, सही है, सब लुटा दो इसकी, सब लुटा दो। कती लूट लिया तुमने मुझे, नॉर्मल हो के इतना तो खैर चलता है। चलो बस, अगर मुझे हेडिट पड़ा तो मैं वहीं पे खत्म हूँ। सच में क्या भयंकर हेडिट मारा है इसने, एक ही बारी में शॉक। पता नहीं उसे पीछे से कैसे लगा, लेकिन ये सेम बकलोली मेरे साथ भी होती थी। ये सेम बकलोली मेरे साथ भी होती थी जब भी मैं पीछे से मार, मतलब बंदा आ गया अपना हैवी वेपन लेकर जा चुका, लेकिन फिर भी मुझे पीछे से लग ही जाती थी। रे बाबा,
Now my turn. Oh shit. शॉक, पिछली बार तूने मुझे शॉक किया, इस बार मैंने तुझे शॉक किया. एंड दैट्स हाउ वी कॉल इट कर्मा बॉय. हार्ड. मैं सोच रहा हूँ क्या ऐसे. आहा, आहा, दिल में दर्द हो रहा है. शिट. इजी पीजी. वाओ, हेलमेट इतना मैटर करता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. सब कुछ मैक्स आउट है, अब गेम कोई बकलोली नहीं चलेगी, ठीक है ना? अब कोई बकलोली नहीं चलेगी. ब्रिंग इट ऑन सर. यार ओके. अरे बस बस बस. पेट दर्द से मर जाओ सर. पेट दर्द हो गया बेचारे को, अफसोस. क्या होगा अगर मैं नीचे के अटैक से ट्राई करूं तो? ओके, ये पीछे वाला अटैक तो कतई काम नहीं करता. ये मैजिक रिचार्ज का काम का बात के लिए कर रहे हैं. टीएलपी जब तुझे पता है कि पीछे वाला अटैक काम नहीं करता है तो फिर तो क्यों फालतू में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? अभी भाई भाई क्रिटिकल हिट देखो तुम. ओपी, दैट्स हाउ वी डू इट. नाइस. सेंस आई रिमेंबर्ड समथिंग मोर, शैल रिटर्न टू माय स्टोरी. Not that you've reached a new level. Profile, Sensei ji, profile. Kick flip. Learn kar lo. Sure. I wonder ye meri actually mein koi help karegi ki nahi. At last, this magnificent magic is in your reach. How about scorching something right away? Show me. Fireball. Upgrade. And upgrade. Arre yaar. स्पाइक हेल्म. मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसकी वजह से कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ. ओ भाई मारो, मुझे मारो. क्या चल क्या रहा है? मैं वेपन का रिव्यू करने आया था, क्या करने आया था? नॉर्मल इजी शिट. बट वाना सी सम साइट्स, आई विल शो यू माय फेवरेट पार्ट ऑफ टाउन फर्स्ट. It will take your breath away once and for all. Shut up. Please, shut up. मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ. मेरे जेम्स ख़त्म हो रहे हैं. पता नहीं वीडियो की शुरुआत में क्या 350 थे, अब वीडियो एंड होते होते पता नहीं क्या यार 180 के आसपास रह गए हैं. निक्की वालों लूट लिया तुमने मुझे सारे. ओके, जो रूल हमने शैडो फाइट 2 से सीखा है वो ये है कि हम कभी भी पहले राउंड में अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, शैडो फाइट 2 से हमने यही तो सीखा है. ओपी भाई. ओबे ये क्या था, ये मैंने क्या किया भाई? क्या किया मैंने अभी. शिट. बट प्लीज डोंट हर्ट मी, आई जस्ट गॉट मिक्स्ड अप विद द रॉन्ग पीपल. लेट्स ऑल लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस टू स्टॉप ट्रिकिंग ट्रैवलर्स. ओके, आई एक्सेप्ट इट. हाँ, कुछ अपग्रेड कर सकते हैं क्या? थैंक यू. हंटर्स नाइव्स नहीं. अबे ये क्या है? ब्रोकन हार्ट्स. वेट, विद नो एन्चेंटमेंट. निकी वालों पागल बना रहे हो तुम मुझे दुनिया भर का. ओके, तो एक लास्ट टूर्नामेंट एंड देन हम वीडियो एंड करेंगे. पिक पॉकेट, जेब कतरा. ब्रिंग इट ऑन सर.
सच में डिसेप्टर ऑफ होप्स इज एक्चुअली अ हार्ड वेपन। जान निकाल दी पेपल ने तो मेरी। चल शट अप। गॉड डैम इट। जस्ट डाई सर, मर जाओ, फॉर गॉड सेक मर जाओ यार, फॉर गॉड सेक मर जाओ यार। यार तू ये खा, ऐसी ऐसी तेरी है ना, बकलोल समझ रखा है हमको पूरा। मतलब ओके, तो लगता है मैं इससे ज़्यादा और इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस वेपन को रेटिंग दूँ तो इस वेपन को रेटिंग दूँगा मैं, कितनी रेटिंग देनी चाहिए, चलो 7.5 out of 10। ओके 7.5 out of 10। वेपन अच्छा तो खैर नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, इसलिए इसे एवरेज कहेंगे। वेपन एवरेज है, अगर तुमने वेपन को मास्टर कर लिया तो तुम अच्छे से खेल लोगे, लेकिन मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि क्लोज रेंज में इसे बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, स्कैम हो जाएगा तुम्हारे साथ। इसलिए क्लोज रेंज में लातों का जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करना, और जैसे ही बंदा मिड टू लॉन्ग रेंज में जाए वहाँ पर इसके स्पेशल अटैक को यूज़ करना। मैंने तो खैर इसका टैप अटैक और स्पेशल अटैक ही ट्राई किया है, और डाउन अटैक, बाकी बैक अटैक लग नहीं रहा था और ऊपर वाला टैग भी मैंने ट्राई नहीं किया। तो या 7.5 out of 10 फॉर डिसेक्टर ऑफ होप्स। उसके अलावा मैंने ये वीडियो इन सभी सामान के उसके लिए नहीं बनाई थी, ओके इन सब सामान को मैंने रिव्यू करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। तो जब इन पर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी तब मैं इन्हें रिव्यू करूँगा। एंड एनर्जी बॉल, पहला प्यार, नहीं भूल सकते इसे। तो ये था डिसेक्टर ऑफ होप्स का रिव्यू, एंड आई होप तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया होगा। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, होप श्योर तुम लोगों को पसंद होगा। तुम चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाले बेल आइकन बहुत आखिर फ्री, जब भी कहीं नहीं मिलता तो तुम सबसे पहले देखो। इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला थम्स अप करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।